हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर मेरे चैनल आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए मत भूलिएगा। तो आज वीडियो एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में है। ज़्यादा से ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे इस टॉपिक के बारे में। ये देखिए, ये जो है इसको बोलते हैं सिलेंडर। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और इसका जो यूज है मैं आपको बताऊंगा। सिलेंडर जो होता है ये हमारे ड्रेनेज सिस्टम को अच्छा करता है, स्पेशली आइडेनियम के लिए और रोज़ प्लांट के लिए, हिबिस्कस के लिए, जो भी प्लांट आप लगाए उसका जो ड्रेनेज सिस्टम अच्छे के लिए ये यूज होता है। और इसमें मॉइस्चर भी कैप्चर करके रखता है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ हाथ में लेकर। देखिए ये कैसे बनता है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो सिलेंडर है इसको जब आप कोई भी लोहार लोहार जो होता है उनके पास जाएंगे, जो पूरा हीट करके जो लोहा लोहा को बनाते हैं, उसमें जो कोल को यूज करते हैं, वो कोल यूज करने के बाद हाई हीट में आने के बाद इस तरह से हो जाता है। जब इसका जो एंड निकलता है वो कोयले का इस तरह से होता है। और इसको आपको वहाँ से बहुत सस्ते में मिल जाएगी, लेकिन इसको ला के आपको जब तक इसका जो वाइट वाइट कलर का जो डस्ट है उसको वो साफ़ नहीं हो जाता, तब तक इसको धोना पड़ता है, क्योंकि वो भी प्लांट के लिए हानिकारक होता है। ये जो मैं लाया हूँ, मैं दुकान नर्सरी से लाया था, ये पहले से धुला हुआ है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप जो भी प्लांट में चाहें आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये पानी को रोक नहीं सक पानी को नहीं रोकता है, पानी को जल्दी निकाल देता है। तो आइडेनियम के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि आइडेनियम को चाहिए पानी जड़ तक जाए लेकिन रुके मत। तो बारिश में अगर आप अगर मिट्टी वाला मिश्र आप यूज करते हैं तो आइडेनियम का जड़ गलने के लिए प्रॉब्लम जड़ गल जाता है बीच बीच में, तो इसको आप यूज करेंगे तो आपका जड़ नहीं गलेगा। मैं आइडेनियम के लिए बता रहा हूँ, आइडेनियम के लिए मैं जो यूज करता हूँ सिंडर यूज करता हूँ और रिवर्स सैंड यूज करता हूँ। रिवर्स सैंड देखिए यहाँ पे रखा है। रिवर्स सैंड का जो बड़ा वाला जो दाना होता है उसको यूज करता हूँ और बर्मी कंपोस्ट यूज करता हूँ। इसका और सिंडर का और बालू का मैं ले लेता हूँ 40% और 20% के हिसाब से, और 40% मैं ले लेता हूँ बर्मी कंपोस्ट। तो इसको मिक्सचर मिला के मैं प्लांट स्पेशली मैं आइडेनियम ही लगाता हूँ और कुछ नहीं लगाता है इसमें। अगर आप चाहें रोज़ भी लगा सकते हैं, हिबिस्कस भी लगा सकते हैं, जो भी प्लांट आप चाहें लगा सकते हैं, इसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये जो सिंडर में लाया था, नर्सरी से लाया था, ये अब मेरा यहाँ पे 1 किलो का ₹50 पड़ जाता है। तो ये जो पैकेट है देखिए, इसमें 2 किलो में लाया था, ये पैकेट है और वहाँ पे पैकेट है। तो ये सब ला के मैं मिक्स करके, अभी ये जो देखिए अभी मैं आइडेनियम लगाने वाला था तो इसलिए सोचा वीडियो बना दूँ, क्योंकि मुझे याद नहीं होता है वीडियो करने के लिए। जब मैं कुछ भी करने के बाद ही मुझे याद आता है, तो उस वक्त वीडियो नहीं बना सकते। तो देखिए ये जो आइडेनियम है इसको मैं 3-4 दिन पहले इसको निकाल के, मुझे थोड़ा उसका जो जड़ है थोड़ा ख़राब होने के लिए खराब थोड़ा लगा, तो हाथ से मुझे प्रेस करता तो वो थोड़ा सॉगी जैसा लगा। तो इसको मैं निकाल के मिट्टी से इसको फंगीसाइड लगा के टांग दिया था ऊपर। इसके बाद 4-5 दिन के बाद मैं इसको फिर से रिपोर्टिंग करूँगा।
अभी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन जब ठंड पड़ जाएगा इसको रिपोर्टिंग करने नहीं करना चाहिए, क्योंकि ठंड में यह सर्वाइव नहीं कर पाता है, क्योंकि डोरमेंसी में चला जाता है। तो मुझे लगा इसका जड़ ख़राब हो गया, लेकिन थोड़ा कम पानी के कारण इसका जड़ थोड़ा सॉगी हो गया था। वैरी नेम का जो प्लांट है वो दो कारण से उसका जड़ सॉगी सॉगी होता है। एक होता है अगर ज़्यादा पानी दे देते हैं वो पानी अटक के आपका जड़ है वो ख़राब हो जाता है, और दूसरा जो होता है अगर आप कम पानी देते हैं तो भी इसका जो जड़ है सॉगी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे इसका जो कॉडेक्स है और जड़ में पानी स्टॉक करके वो रखता है, खाना भी स्टॉक करके रखता है। जब आप पानी नहीं देंगे, अगर आप भूल जाते हैं, अगर बाहर गए हैं 4-5 दिन के लिए पानी नहीं देते हैं और मिट्टी पूरा सूख गया है, तो ये कोडेक्स से और जड़ से ही पानी उसको खाना खाना के ज़रिए मिलता है। तो मुझे लगा ये ख़राब हो गया, लेकिन ये पानी थोड़ा कम होने के कारण इसका सॉगी हो गया है। तो इसको मैं 5 दिन के लिए टाँग दिया था, अभी इसको ट्रांसप्लांट करूँगा। ट्रांसप्लांट करने के मैं बता चुका हूँ, मैं ले जाऊँगा 40% आपका सिंडा और 20% रिवर सैंड बड़ा दाना वाला, और वर्मी कंपोस्ट 40% मिला के मिक्सचर करके मैं इसको लगा दूंगा, और शेडी एरिया में 5-6 दिन रख दूंगा। उसके बाद धीरे धीरे इसको धूप में लाऊंगा। तो ये था आज का वीडियो सेंटर के बारे में। तो फिर मिलते हैं बेहतरीन टॉपिक के साथ आगे। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू।